मैं अब CMD अगर डालू उस, अरे वाह, कि दो तीन ड्रॉप डालू, चार ड्रॉप डाल देता हूँ, क्या बात है, पिंक हो गया सर ये, तो अगर आप देखेंगे तो ये पिंक हो गया, क्या बात है सर। तो इट शोज कि ये एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। एक ऐसी चीज है जो लोग अभी सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं कि ORP माइनस होना ये तो अपने आप में अमृत जैसा पानी बनाने के बराबर है। Hey, hello everybody. Hope so, आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है CMD का ORP टेस्ट। आज हम करेंगे कि कैसे हम ORP पता लगाएं कि CMD के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो उसके लिए हमें बड़ी मुश्किल से मिस्टर शिवराज सर का टाइम मिला है, और आप सब लोग जानते होंगे मिस्टर शिवराज सर जो कि ऑलरेडी CMD के एक्सपर्ट हैं और पूरी इंडिया में प्रमोटेड हैं, जिन्होंने इस प्रोडक्ट पे तकरीबन 25 लाख से 27 लाख रुपए महीना कमाया है। तो जो ऑलरेडी 3 से 4 साल इस प्रोडक्ट पे काम कर चुके हैं, हम उनसे खुद पूछेंगे कि कैसे ORP टेस्ट करते हैं CMD का, और इसके बेनिफिट क्या होते हैं, क्योंकि मुझे भी एंटीऑक्सीडेंट के बारे में कुछ टाइम पहले ही पता चला है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे एक चीज क्लियर होगी कि जो एंटीऑक्सीडेंट है ORP वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट के बारे में अगर नॉलेज रखते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी किसी को भी कन्वेंस करने में। तो चलते हैं शिवराज सर से खुद पूछते हैं क्या वो है ORP और इसके बेनिफिट्स कैसे हम बता सकते हैं। हाय शिवराज सर। हाय दुष्यंत, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो सर लोगों को PH के बारे में पता लग चुका है, TDS के बारे में पता लग चुका है, पर एक डेमोस्ट्रेशन में आपकी बात हो रही थी जो कि बहुत कम लोगों को पता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके बारे में आज आप डिटेल में थोड़ा सा बताइए सर, क्या है वो? मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा दुष्यंत कि CMD कैसा प्रोडक्ट है दुनिया जान चुकी है। pH वैल्यू बढ़ता है, या और डेमोस्ट्रेशन देखें, एक डेमोस्ट्रेशन है कि ORP के बारे में लोग ज़्यादातर नहीं जानते। एक डेमोस्ट्रेशन है ORP का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि एंटी ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट के का कंपेरिजन बताते हैं बेसिकली, कि भाई कितने बॉडी में एंटी ऑक्सीडेंट और कितने ऑक्सीडेंट है। मतलब अगर बात करें हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि एंटी ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं मार्केट में। और एंटी ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंटी ऑक्सीडेंट अगर प्रॉपर्टीज हैं वाटर में तो ये किस किस चीज़ के काम आ सकता है। ये एंटी कैंसरस है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये एंटी फंगल है, ये आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी डिजीज होने से आपको बचा सकता है। तो जैसे कि विटामिन सी और विटामिन ई बहुत हाईली एंटीऑक्सीडेंट माने गए हैं, तो CMD के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अगर हम देखें पीरियडिक टेबल के थ्रू देखें तो शुरू के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज बेरियम, सिलेनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे हाईली सिलेनियम एक बड़ा हाईली एंटीऑक्सीडेंट मिनरल है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होना पानी के अंदर सबसे क्रिटिकल पार्ट है। मैंने इनफैक्ट एक बुक पढ़ी थी, मुझे आज भी ध्यान है, फिलीपीन के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने लिखी है कि बहुत अच्छा अगर पानी आपको पीना है तो चार चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि उसका TDS जो है, TDS 300 होना चाहिए, 150 से 300 के बीच में होना चाहिए। नॉर्मली आप देखना RO वाटर का जो TDS है वो 50-40 के बराबर होता है। मैंने बुक पढ़ी बहुत बड़े डॉक्टर की, जिसने वाटर के ऊपर बहुत 100+ पेजेस की बुक लिखी है। पहला पॉइंट है कि TDS 150 से 300 होना चाहिए, और नॉर्मल RO वाटर का जो है वो 15-17-18-20-50-75-100 होता है। अगर हम CMD ऐड करते हैं तो उसका TDS 200-250-300 तक पहुंच जाता है। एक तो ये बड़ा क्रिटिकल पार्ट है। ऑब्वियसली एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि pH वैल्यू 8.5 ले जाता है, एल्कलाइन वाटर कर देता है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बट ये दो जो सबसे ज़्यादा आज तक नहीं पता है लोगों को कि ये ORP भी माइनस करता है। ORP माइनस का मतलब ORP क्या है सर? ये ORP इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ये तो एक इतना बड़ा टॉपिक है, आप गूगल पे जाके अगर सर्च करोगे बहुत सारी रिवर का पानी है या जो भी पानी है, अभी हम सरल भाषा की बात करेंगे, जो भी पानी अगर उसका प्लस ORP है तो वो हार्मफुल है बॉडी के लिए। प्लस okay. अगर ORP है तो आप लथार्जी हो जाएंगे, आप ढीले हो जाएंगे, आपकी एनर्जी खा जाएगा अगर पॉजिटिव है, और नेगेटिव ORP है तो वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है उसके। तो आपने जैसे बताया कि एंटीऑक्सीडेंट मतलब एंटी कैंसर, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि CMD का जो पानी पिएगा उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता? सी, हम कभी भी ऐसा कुछ क्लेम या कमिट नहीं कर सकते कभी भी, बट जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं वो एंटी कैंसरस होती हैं, ये साइंस बोल रहा है, गूगल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। एंटी
इन्फ्लामेटरी है, कोई इन्फ्लामेशन है बॉडी में, तो वो उसमें भी ये सपोर्ट कर सकता है। ये कौन बोल रहा है, ये भी गूगल पे है बेसिकली, जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये सारा साइंस है और गूगल बोल रहा है। ओके, तो जो फ्री रेडिकल्स हैं बॉडी में, हमारे सेल, हमारी बॉडी के सेल्स में जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये उनको रिमूव करने में हेल्प करता है, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट हो। सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट पानी की नहीं है, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट चीज लेंगे, फ्रूट्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि संतरा, नींबू, अनानास, ग्रेप्स, कोई बेरी बेरी, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो आजकल कितनी होती है, कितना अडल्ट्रेटेड फूड ले रहे हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट यस, ये जो मिनरल वाटर जो CMD है, वेस्टीज प्राइम CMD, अगर हम पानी में ऐड करते हैं तो ये ORP माइनस करता है पानी। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पानी प्लस है माइनस? मैं उसका डेमोंस्ट्रेशन आपके हाथ में क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ORP इंडिकेटर सॉल्यूशन है। ओके, तो ये ORP बताएगा। ये कहाँ से लिया सर आपने? ये मैंने लिया CMDKits.com से लिया। बेसिकली पूरी किट बेचता है CMDKits.com। मैं बोलना चाहूंगा कि ये ऑथेंटिक सोर्स है CMDKits.com, जिससे कि आप CMD के जितने भी डेमोंस्ट्रेशन हैं, चाहे वो आपका TDS मीटर हो, इसमें TDS मीटर है, एक ORP सॉल्यूशन है जैसे कि मैंने बताया, जिसके बारे में मैं आज डेमोंस्ट्रेट करने के लिए हूँ, और एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब वाला है, एक ये है, एंड वन इज एक, जैसे मैंने देखा सर बिजली का जो ये बल्ब का था ना, ये डबल स्विच वाला था, पर ये कॉम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, इसमें कॉम्पैक्ट है, सेफ है, देखेंगे आप ये ऐसे सेफ रहेगा। एक्चुअली क्या, हमारे लोग सेफ भी रहने चाहिए, उसको देखते हुए भी ऐसे बनाया गया या फिनिश डाली गई है कि किसी प्रकार का करंट वगैरह ना। सो द मेन पॉइंट इज कि ये जो ORP इंडिकेटर सॉल्यूशन है, इससे ये पता चल जाएगा कि इसलिए ORP माइनस है या नहीं है। इसमें क्या है कि अगर हम पानी लें, नॉर्मल वाटर लें और उसमें डालें, अगर वो ट्रांसपेरेंट ही रहा, अगर बात करें, मैं पानी ले लेता हूँ आपके लिए, ये अगर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, पानी डालने के बाद अगर ORP का ये सॉल्यूशन डालूं, जिसे पता चलता है कि ये ORP माइनस है या नहीं है। कितने ड्रॉप डालने सर इसमें? इसमें 3-4 ड्रॉप डाल दीजिए, बता अच्छा उससे आइडिया हो जाएगा। तो ये अभी व्हाइट का व्हाइट देखोगे तो ये व्हाइट हो जाएगा या मिल्की हो जाएगा, या तो ट्रांसपेरेंट ऐसा ही रहेगा, या आप देखेंगे हल्का हल्का मिल्की हो जाएगा, एक दो ड्रॉप और डालूंगा तो ये मिल्की सा हो जाएगा, आप देखेंगे जो वैसे ही एकदम ट्रांसपेरेंट है, या ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, राइट? तो इसका मतलब क्या, ये प्लस है ये सर? अगर हाँ, अगर ये कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये ORP प्लस में है। ओके, और ORP के बारे में और डिटेल में आप जानेंगे अगर आप गूगल पढ़ेंगे, तो आपको ये इतना बड़ा टॉपिक है, ये ऐसे वीडियो में नहीं बताया जा सकता, बट मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर इसमें मैं CMD ऐड करूँ, अगर जिसका भी ORP माइनस होगा और उसमें लिक्विड डाला जाएगा तो पिंक हो जाएगा। ओके, राइट? और अगर पिंक नहीं हुआ तो वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, और पिंक हो गया तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। okay, तो अगर मैं CMD अगर डालूं, अरे वाह, कि 2-3 ड्रॉप डालूं, 4 ड्रॉप डाल देता हूं, क्या बात है, पिंक हो गया सर ये। तो अगर आप देखेंगे तो ये पिंक हो गया, क्या बात है सर। तो इट शोज कि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। और वैसे भी अगर pH 8.5 से अबव जा रहा है इसका, जो हम कई बार दिखा चुके हैं, तो उसका मतलब ही कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। मतलब जिस पानी का pH 8.5 से ऊपर जाएगा तो एंटीऑक्सीडेंट है, जाएगा तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जाएंगी। ओके, ये साइंटिफिकली क्या बात है, तो ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट भी है। वाओ, राइट? तो ये एक ऐसी चीज है जो लोग अभी सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं कि ORP माइनस होना, ये तो अपने आप में अमृत जैसा पानी बनाने के बराबर है, मैं ही बोलूंगा। सो ये सारे डेमोंस्ट्रेशन, जैसे TDS हम चेक करते हैं तो TDS बढ़ा देता है, pH, अगर मैं pH की बात करूँ तो pH सॉल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दुष्यंत के मार्केट में। बहुत प्रकार के pH सॉल्यूशन है, कुछ मेरे पास फोन कॉल्स आए कि सर जी हमारे यहाँ तो ये हुआ, वो कलर नहीं आया और ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो मैं कहूँगा ऑथेंटिक सोर्स से आप pH सॉल्यूशंस लेंगे तो बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। तो ये थी कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो अभी शिवराज सर ने बताई और कुछ डेमो करके दिखाया। अगर आपके पास में टूल किट नहीं है तो आप CMDKit.com से भी ले सकते हैं, वरना कोई भी केमिकल शॉप में आपको ये इजी अवेलेबल हो जाएगा। ORP टेस्टर कहते हैं इसे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताइए एंटीऑक्सीडेंट के फायदे, क्या क्या इसके फायदे हैं, और अपने नेटवर्क में एक मैसिव ग्रोथ के लिए तैयार हो जाइए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले एक साल के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम बनने वाला है। और पानी, एक हेल्दी वाटर हर किसी की नीड है, पानी अच्छा हर इंसान पीना चाहता है और पूरी मार्केट खाली है। तो दोस्तों मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आने वाले समय में आप बहुत लोगों की मदद करने वाले हैं और बहुत सारे लोगों की हेल्प करेंगे, उनकी उनकी हेल्थ और उनकी वेल्थ सब सुधार सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।